वेलकम टू एम ए टी वी कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में कश्मीर से मुतालिक हम आपको मालूमात देते हैं। ज्यादातर हमारी मालूमात का ताल्लुक पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से होता है। इसके अलावा अगर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भी कोई ऐसी खबर हो जिसे हम चाहें कि आपके साथ शेयर किया जाए तो वो भी शेयर करते हैं, और बैन अवी सतह पर कश्मीर के मुद्दे के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो तो उसको भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी अगस्त 5th डे। ये हैप्पी अगस्त 5th डे एमएटीवी ने शुरू किया है, और हर साल हम ये दिन मनाएंगे, खुशी का दिन, आजादी का दिन, जब कश्मीर वादी की और लद्दाख के अवाम को ना सिर्फ ये कि उनके मुकम्मल हकूक मिले, वही हकूक जो भारतीय नागरिकों को हासिल हैं, बल्कि इसके अंदर जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन थी औरतों के खिलाफ जायदाद की विरासत को लेकर और शादी ब्याह के मामलात की, वो भी खत्म हो गई। एक नया दौर शुरू हुआ तरक्की का, एक नया दौर शुरू हुआ जमहूरियत का। नाजरीन, 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मनसूबा बनाया था, और वह मनसूबा ये था कि लंदन हाई कमीशन समेत बाकी दीगर हाई कमीशन और जो इंडिया के एम्बेसीज हैं उनके बारे में मुजाहरा किया जाएगा। इसके अलावा एक ट्विटर कैंपेन लॉन्च की जाएगी, और इसके अलावा और दीगर तकरीबात का भी उन्होंने इनकार किया था जो नफरत की बुनियाद पर उन्होंने तश्कील दिए थे। लेकिन मैं जो आपको ये बताते हुए इंतहाई मुसर्रत हो रही है कि लंदन में, जी हां, लंदन में होने वाला भारत मुखालिफ मुजाहरा जो कि एल्डविच में भारतीय हाई कमीशन के सामने किया गया, वो एक टोटल फ्लॉप शो था। इसके बावजूद के पूरे यूके की तंजीमों ने पूरा जोर लगाया, मसाजिद के हवाले से भी जोर लगाया, कश्मीरी तंजीमों के हवाले से भी जोर लगाया, लेकिन कुल तादाद में आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जहां ये एक वक्त में हजारों, यानी दो दो तीन तीन हजार लोग जमा कर लेते थे, अब सिर्फ 37 लोग वहां आए। 37 लोगों ने वहां मुजाहरा किया और 18 पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे हिफाजत के लिए। तो ये तो एक टोटल फ्लॉप शो हो गया। इसी तरह ट्विटर पे जो इन्होंने कैंपेन की, उसको उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो ट्विटर ट्रेंड बन जाए, लेकिन वो ट्विटर ट्रेंड नहीं बन सका। तो ये चंद चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था 5 अगस्त के हवाले से। वादी में क्या हो रहा है, आज जश्न हो रहा है, लद्दाख में बहुत सारी तकरीबात जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए वो मुनक्किद की गई, और बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं, आपके जाने पहचाने मेजर जनरल एके सिवाच हैं, और उनको मैं खुश आमदेद कहता हूं। आपको वेलकम है जनरल साहब, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ आपके यहाँ काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन आप अपने देश के लिए जो है जिस तरह पहले टेरिटोरियल आर्मी के हेड होते थे और आप जागते थे और जोश में होते थे, आज भी एक बहुत बड़ा दिन है और आप उसी तरह से मुझे पुरजोश नजर आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ये 5 अगस्त, आज क्या हुआ भारत में, कुछ हमें बताएं। हमारे ये जो डायस्पोरा में भारतीय नागरिक हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज कैसा दिन गुजरा। बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, आज बहुत ही हिस्टोरिक डे है और लोगों ने बहुत खुशी मनाई है कश्मीर घाटी में और लद्दाख के एरिया में और जम्मू के रीजन में भी, और स्पेशली कश्मीर घाटी के अंदर जो मेन मुद्दा है। आज की तारीख में आप देख रहे थे नेशनल फ्लैग हर जगह था, कंपटीशन हो रहे थे, गेम्स हुई हैं, फुटबॉल के मैचेज हुए हैं, आपस में टूर्नामेंट हुई है। उसके बाद जो डल लेक में एक प्रकार से जो बोट हैं कारवां, उनका कंपटीशन हुआ है, तो एक खुशी का और एक ऐसा माहौल लग रहा था जैसे अभी शादी का माहौल होता है और जिस प्रकार से एक फेस्टिवल का माहौल है, तो बहुत खुशी और हर जगह लोग खुश थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई टेररिज्म नाम की चीज है। और आज की जो सभी बिल्डिंगों पे भारत की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, भारत का फ्लैग एक प्रकार से फहरा रहा था और हर जगह लोग एक प्रकार से
एक तो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे और खुशी, इसका मतलब बदला हुआ कश्मीर है, लोग बहुत खुश हैं जो अभी हुआ है। उसकी वजह है मिर्जा साहब, देखो सच्चाई तो यह है कि अभी जब से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा था, मगर वो इंटीग्रेटेड नहीं था। एक देश के होने के बावजूद भी वहाँ पर आईपीसी नहीं लगता था, कुछ एक ऐसे लॉ थे जो कि औरतों, आप बता रहे थे ओपनिंग एड्रेस में बताया, वो अगेंस्ट थे। उसके बाद जो लोग आके बसे हैं गोरखा या कोई पाकिस्तान से या जो वाल्मीकि, वो सिटीजन नहीं थे। उसके बाद डेवलपमेंट नहीं थी, ग्रास रूट पे लेवल पे इतनी डेमोक्रेसी नहीं थी जितना देश चाहता था। मगर जब से ये आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोकेट किया है, ये बिल्कुल भारत का अटूट अंग बन गया है। और उससे हुआ क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, बल्कि इस स्टेट से और स्टेटों को सीखने को मिला है। यहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, आज डिविजनल कमिश्नर गांव में जाता है देखने के लिए किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद आपके जो सड़कें में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, बिजली पानी की बड़ी एक प्रकार से जो भी फैसिलिटी थी उसमें बड़ी बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। उसके बाद टूरिज्म बहुत अच्छा हुआ है, और इसके बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट का क्या हो रहा है कि अभी मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ आ रहे हैं, स्कूल और बन रहे हैं। उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, जो एप्पल के लिए, उनके लिए बड़े बड़े गोदाम बनने लगे हैं। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट का माहौल है, अब लोग खुश हैं। और जो होटल इंडस्ट्री जिसने टेक ऑफ नहीं किया था, क्योंकि लोग डरते थे अगर होटल बनाएंगे तो होटल में तो हम उसके मालिक बन नहीं सकते, अब वो बात खौफ हट गया है, लोग वहां पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कश्मीर में। देखो जब तक आप कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इजाजत नहीं देंगे, आपके देश में भी तरक्की नहीं होती। आप तो सूबे की बात करते हो, तो एक प्रकार से ये भी बड़ा फर्क पड़ा। दूसरा जो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो हुआ है आपकी जो CI सिचुएशन है, जो अंदरूनी हालात है उसमें बहुत फायदा हुआ है। उसके अंदर आतंकवाद बहुत कम हो गया है, 100 से 125 के करीब आतंकवाद पिछले 7-8 महीने में मारे गए हैं। लीडरशिप है जो जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और एक प्रकार से लश्कर तोबा की बिल्कुल खत्म हो गई, और जो साउथ कश्मीर के अंदर किसी हिसाब से थोड़ा बहुत वो रेडिकलाइजेशन हो रहा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। और ये जो पत्थरबाजी, जो हुरियत कॉन्फ्रेंस पैसे दे के बच्चों को भुका के एक प्रकार से पत्थर फेंकवाती थी, वो तो हिस्ट्री हो गया, क्योंकि जो हुरियत कॉन्फ्रेंस है उनके लीडरों को जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, टेररिस्ट फंडिंग करते थे। और अब क्या हुआ है कि NIA ने ये पूरा जो हवाला मनी आती थी उसको चोक कर दिया, तो पत्थरबाजी की तो अभी किसी को पता भी नहीं कि पत्थर भी बजते थे। तो एक प्रकार एक बिल्कुल नया माहौल है पैदा हो गया है कश्मीर घाटी में। और जो लोग समझ रहे हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, कल भी वहां से आवाज आ रही थी उससे पहले भी, कि भाई जिस प्रकार से डेवलपमेंट भारत के जम्मू कश्मीर में हो रही है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो होगी नहीं, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते। और वो अभी जो 5 अगस्त को अगर आप कहीं देखे मुजफ्फराबाद या मीरपुर या कोटली में, ये भी खबरें मिली हैं, वहां भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट किया। अब वो चाहते हैं कि हम भी भारत का हिस्सा बने। इसके अंदर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जो लद्दाख के अंदर चेंज आया है वो एक काबिले तारीफ है। लद्दाख का इलाका जो था वो श्रीनगर से कनेक्ट होके जाता था, श्रीनगर से जोजिला, जोजिला से ले, वो मेन आर्टरी थी, मेन रोड थी, मगर वो 6 महीने कट ऑफ रहती थी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलती थी और इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो कट ऑफ रहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है उसकी तो एक तो दो आर्टरी बन गई है, एक तो ये श्रीनगर वाली, और मेन उसका कनेक्शन हो गया है जो कुल्लू मनाली रोहतांग पास से जो ले जाता है, और वो जब से अटल टनल बन गई है तो वो बिल्कुल पूरे साल ऑलमोस्ट खुली रहेगी। वहां बहुत डेवलपमेंट आने लगी है, सड़कें बनी हैं, वहां पर स्कूलें बन रहे हैं,
वहां पर जो सबसे अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, वहां पर हॉस्पिटल बनने लगे हैं, वहां पर लोगों को काम मिलने लगा। तो एक प्रकार लद्दाख के अंदर भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के रीजन में भी किसी हद तक काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो भी अभी सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर की, वो बहुत ही एक प्रकार अच्छी लग रही है, सराहनीय लग रही है, और आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट होगी। अब तो दूसरी स्टेट बोलती हैं कि हमें जम्मू और कश्मीर से एक प्रकार से सबक सीखना चाहिए, और अब दो चीजें होनी हैं जो जिसका रोड मैप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले बता दिया, ऑल पार्टी मीटिंग की थी अभी जम्मू और कश्मीर के सभी लीडर की, कि आने वाले समय में वहां पर डिलिमिटेशन की जैसे प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद असेंबली के इलेक्शन होंगे और जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर चीज अपने रोड मैप जो बनाया हुआ है उसके अनुसार चल रहे हैं। अभी लोग खुश हैं, लोग सबसे ज्यादा खुश इसलिए हैं जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो लगता है जमीन पे डेवलपमेंट में, वो दाएं बाएं नहीं जा सकता, उसकी अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। और तो ये एक नया मॉडल जो बन के आया है जम्मू कश्मीर में, वो मुझे लगता है कि अब दूसरी स्टेट भी अपनाना चाहेंगे। मिर्जा साहब, जनरल साहब, हम साए में जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वहां पे इलेक्शन हुए, उसके बाद पीटीआई वालों को जितवाया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको जितवाया गया, और उसके बाद ये सुनने में आया कि जी वजीर आजम के का जो फैसला है कि कौन पीओजेके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसका फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे। और कल उन्होंने अब्दुल कयूम, सरदार अब्दुल कयूम नियाजी नाम के एक शख्स को बनाया है प्राइम मिनिस्टर, और जो उसके उम्मीदवार थे जो पहले भी दो दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और जो नई एटीएम मशीन है इमरान खान की पीओजेके में, इलियास तनवीर इलियास, इनको उन्होंने नहीं बनाया और इस शख्स को उन्होंने बना दिया है और मुसल्लत कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त पीओजेके में है, उसने तो बिल्कुल पीओजेके के जो जनता है उसके सामने इनको नंगा कर दिया है, इनकी हिपोक्रेसी को नंगा कर दिया है। और इस वक्त तो वहां बड़े नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और हम क्या मांगे आजादी, ये नारे लग रहे हैं। और फौज का जो एक खौफ होता है काबिज फौज का, वो खौफ भी मुझे अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं पीओजेके की आज की सूरत हाल को और आने वाले दिनों में, क्या आप समझते हैं कि पीओजेके में जो है वो पाकिस्तान से आजादी की तहरीक ज्यादा तेज होगी? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं मिर्जा साहब, देखो इसमें आपने ठीक बताया, एक तो भारत ने एक बड़ा जो करड़ा रूप लिया है कि जिस प्रकार से इलेक्शन हुए हैं पीओजेके में, हमने बोला है कि ये इलेक्शन फ्रॉड हैं, फार्स हैं, और इसकी कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है पीओजेके, और वो भारत का हिस्सा है, तो कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, तो वो इलेक्शन क्या करा रहे हैं। मगर जो इलेक्शन हुए हैं वो भी एक प्रकार से आई वॉश है, जो भी सेंटर की गवर्नमेंट होती है वहां वहीं वही पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, वो कैसे होता है। तो अभी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो पीटीआई ने अपना जो प्रकार से इलेक्शनों को मैनिपुलेट करके खुद जीत गए, और उसके बाद लोग इतने नाराज हैं वहां पर, वो सोचते हैं कि सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, कोई डेवलपमेंट नहीं, बिजली पानी सड़कें नहीं, भारत के जम्मू कश्मीर से वो 50 साल पीछे रह गए। और अभी जब मुजफ्फराबाद के अंदर इमरान खान पहुंचे थे इलेक्शन रैली में, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि ये जो हमारी नीलम नदी है, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, किशन गंगा उसको हम कहते थे, किशन गंगा से उसका नाम इन्होंने तब्दील करके इस्लामी नाम रख दिया है, बहरहाल जारी रखिए। हाँ, तो वो जो है आपने उसका उसको भी बदल दिया है, उसका मुंह मोड़ के आपने पंजाब ले गए हैं, हम तो पानी के लिए तरस रहे हैं और आप पंजाब के लिए ले गए हैं, जहां पंजाब में पहले ही बहुत ज्यादा पानी है। तो एक प्रकार से आप सेकंड क्लास सिटीजन तो मानते ही हैं, आप इसको ट्रीट ऐसे करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
और अभी तो गिलगित बाल्टिस्तान में लोग आ गए सड़कों पे कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो चीनी आए हैं वो भी सारा रिसोर्स ले जाएंगे, उनके टेक्नीशियन, उनके इलेक्ट्रीशियन सभी कुछ उनका ही है, और ये मीनियल जॉब है जो लोगों को मिली है। तो मतलब ये एक आवाज आने लगी है और ये आवाज धीरे धीरे बुलंद होने वाली है, और लोग चाहते हैं कि उन पाकिस्तान से निकले। पाकिस्तान एक प्रकार से दीमक है, जहां लग गया वो मर गया, तो इसलिए वो चाहते हैं कि निकले। और कुछ हालात तो बोलते हैं कि वो आजादी, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो भारत में मिले, क्योंकि अभी शुरू में आजादी और फिर वो लगता है मुझे भारत की तरफ आवाज धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में किस प्रकार से तरक्की हो रही है, किस प्रकार से डेमोक्रेसी आ गई अच्छी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान की फौज इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये जो है धीरे धीरे एक प्रकार से इतना भूचाल लेगा कि वो इसको काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोगों की मूवमेंट है। अब लोग परेशान हो गए हैं, लोगों ने देख लिया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे को कुछ नहीं दिया जा रहा और हमारे को रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक जुमला और छोड़ दिया था कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग, जो कहते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग खाने को आपको पैसे नहीं है, कौन सा लीग करेंगे आप पाकिस्तान, तो क्योंकि वो चक्कर यह है उसको एक बार लाइमलाइट में दिखाना चाहते हैं। तो बीसीसीआई ने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया सबको कि कोई उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉरेन प्ले। तो एक मैं यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक झूठा प्रोपगंडा फैलाता है और अपने लोगों को मारता है, उनको सिटीजन जो हैं उनको सेकंड क्लास मानता है। तो आने वाले समय में ये जो इलाका है ये पाकिस्तान से हटेगा और ये भारत का हिस्सा है और ये भारत में आना चाहिए और भारत में आके रहेगा। और मुझे लगता है जय भारत माता की। क्या आपने जबरदस्त जो है गुफ्तगू फरमाई है। मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है, और गिलगित बल्तिस्तान में जहां से दरिया बहता है इंडस और फिर पूरे पंजाब में और भारत तक जाता है, वहां के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। गिलगित के मोहल्लों में पीने का पानी नहीं है, कभी अस्तोर में पानी नहीं है, कभी हुंजा वाटर कितना मशहूर है और हुंजा में पानी नहीं लोगों के पास पीने के लिए, और वो धरने दे रहे हैं, बिजली नहीं है, कारोबार बंद हो गए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान से आज ही मुझे मैसेजेस आए हैं कि हम 14 अगस्त जो आ रही है, जो पाकिस्तान जिसको अपना इंडिपेंडेंस डे कहता है, 14 अगस्त को हम गिलगित बल्तिस्तान में ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। इसी तरह से पीओजेके में भी जो है वो ये शुनीद आ रही है कि 14 अगस्त को एज अ ब्लैक डे मनाया जाएगा। जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया तो इसको नहीं दिखाएगा और हमारे पत्रकार वहां जा नहीं सकते, तो इसलिए हम सिर्फ टेलीफोन के जरिए या व्हाट्सएप इमेजेस जो हमें भेजे जाएं या फेसबुक के जरिए हमें ये खबरें पहुंचेंगी और हम देखेंगे और हम जरूर अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे उसके 14 अगस्त के बाद के प्रोग्राम में। लेकिन जनरल साहब, ये जो इन्होंने चूरन बेचा दो कौमी नजरिए का, वो दो कौमी नजरिए का चूरन जो है बिल आखिर लगता है कि पाकिस्तान को यूनाइट रखने में अब फाइनली जो है वो बिल्कुल महलूल हो गया, तहलील हो गया, उसका अब कोई रोल नहीं रहा। जाहिर है बांग्लादेश बन गया था, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं कि जनरल जियाउल हक का दौर आया, इस्लामाइजेशन, तालिबानाइजेशन, इसके बावजूद पाकिस्तान आज टूटने के किनारे पर आ गया है। कैसे देखते हैं जनरल साहब, हमारे पास आखिरी चार मिनट है। देखो दो तीन बातें, एक तो पाकिस्तान सच्ची बात है कि ये टूटने के कदार पे है, $120 बिलियन का कर्जा चढ़ा है और इसको $4 बिलियन चाहिए हर साल लोन का इंटरेस्ट देने के लिए। इनके पास तो है नहीं एक पैसा कौड़ी, और इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो है $6.35 बिलियन, वो अभी भी अफगानिस्तान से कम है। इन्फ्लेशन रेट 20% है और इनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट जीरो है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वही इनको तोड़ देगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है इसके चार हिस्से हो सकते हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत की तरफ मिल जाएंगे। ये लगता है इसका फ्यूचर,
और ये फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ये जो भी कार्रवाई हुई है वो पाकिस्तान की अपनी कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म पैदा किया, आज वो टेररिज्म के विक्टिम है और वो शोर मचा के कह रहे हैं कि हम भी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। पहले तो टेररिज्म शुरू किसने किया था? ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऊपर से तो आया नहीं, ये तो आपने स्टार्ट किया था तालिबान, उसमें से तहरीके तालिबान पाकिस्तान में निकल गया। अब आप आग से खेल रहे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर आप शांति नहीं लाने दे रहे, वहां पर आप तालिबान को हेल्प कर रहे हैं। 10,000 यहां से आतंकवादी भेज दिए लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के, उनको एक ही हिदायतें दी हैं जो भारत के प्रोजेक्ट उनको बर्बाद करें। तो ये तो आपकी मेंटेलिटी है, आपकी मेंटेलिटी है कि दूसरे को बर्बाद कर दो, और ये नहीं समझते दूसरे को बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाओगे। तो अब होने वाला यही है कि जब ये लगे हुए हैं तालिबान के साथ इस अफगानिस्तान में एक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, होता है और ऐसा होगा आने वाले 2-3 महीने में 4 से 5 लाख वहां से शरणार्थी आएंगे पाकिस्तान की तरफ, तरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो जाएगा, आपके टेररिस्ट एक्शन देखना 3 से 4 गुना हो जाएंगे अगले 6 महीने में, और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल जो चली हुई है वो एक बहुत बड़ा जड़ पकड़ जाएगी, और इसी प्रकार पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से आवाज आनी स्टार्ट होगी कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो ओवरऑल मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्लीक लगता है, और मुझे लगता है कि जिस हालात में हैं ये, आज उनको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फोर्स ने ग्रे में लिस्ट किया है, आने वाले टाइम में उनको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में। देखो 1960 में पाकिस्तान जो है एक देश था जिसकी जीडीपी जो थी अबाउट 5.7% थी, आज वो जीडीपी भी माइनस में गई, तो मतलब कि इसकी इतनी हालात खराब हो गए हैं, और आप अंदर झुक के देखो तो उसकी वजह है कि ये इन्होंने स्टेट पॉलिसी बनाई है टेररिज्म की, टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, टेररिज्म कहीं भी हो वर्ल्ड में उसकी रूट्स आपको पाकिस्तान में मिलेगी, और कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो पाकिस्तान। तो मेरा मतलब लगता है कि सिचुएशन पाकिस्तान की फाइनेंशियली बड़ी खराब है, और लगता है आने वाले समय में इसका बहुत बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है, और इसके हिस्से हो सकते हैं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत की तरफ मिल सकता है, मुझे लगता है ये एक होने वाला है। जो आप कह रहे हैं तो उससे तो यही महसूस होता है कि ये एक ऐसा मरीज है जो ऑलरेडी कोमे में चला गया है, उसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है, और उसको कर्जों की जो मशीनें होती हैं जैसे अस्पताल में रेस्पिरेटर होता है और चीजें, उससे उसको जिंदा रखा जाता है, तो फिर वो पूछते हैं कि जी मशीनें बंद कर दें। तो मेरा ख्याल है कि अब दुनिया भर की जो हैं लोन देने वाली तंजीमें और दुनिया भर के जो इकोनॉमिक हैं उनको अब ये मशीनें बंद कर देनी चाहिए। नाजरीन आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन हैप्पी 5th August Day, और आज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो एक कैंपेन थी, एक हेट कैंपेन थी, वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है जैसा जनरल साहब ने बताया, और लद्दाख में भी बहुत सेलिब्रेशंस हुई, और झील डल में इस वक्त जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, डल लेक में इस वक्त लोग दिए लेकर जो है वो डल झील में वो डाल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं, ऊपर भी सितारे हैं और जमीन पर भी सितारे हैं। नाजरीन आपको मैं अपनी खुशी का जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए MA TV। थैंक यू वेरी मच।